हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन जो कि LIC की यूनियन है, उन्हें एक सर्कुलर जारी किया है जो LIC का भी सेटलमेंट हुआ है 70% पे। तो अगर आप सोचोगे कि बैंक का भी 70% में कंपेयर हुआ है, LIC का भी 70% हुआ है, तो क्या ही अंतर हो गया। लेकिन रियलिटी तो यहाँ पर आके होती है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि द एडिशनल कॉस्ट ऑफ वेज डिवीजन वुड बी 70% ऑफ द 1/8/2022। द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव 16% लोडिंग ऑन बेसिक पे। 16% लोडिंग अचीव करना बहुत बड़ी बात है, मतलब आपका जो बेसिक है DA मर्ज करने के बाद 16% इंक्रीज होगा और बैंक को वो 3% मिला है, 3%। इसलिए बैंक एम्प्लॉय के जो DA है वो बेसिक पे बहुत कम है। LIC का बेसिक पे अब 80,000 के अबव निकल गया है। एक सीट आई है उसमें 88 के आसपास दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, वुड बी, क्योंकि जो बेसिक पे है उस पर कंसेक्ट होकर बर्जिंग एग्जिस्टिंग पे विद द इंटायर DNS अलाउंस एज ऑफ 1/8/2022 एंड गिविंग द लोडिंग 60% ऑफ द अमाउंट। और चूंकि बेसिक पे अगर तंग्रीन मिलता है तो सारे बेनिफिट भी हमको मिलते हैं DA से लेके और रिटायरमेंट में जो भी सारे बेनिफिट होते हैं वो बेसिक पे ही मिलते हैं। बाकी इन्होंने बताया हुआ है कैसे क्या स्ट्रगल अपनी आने का AIEB। और यहाँ पे देखो मेनली इन्होंने उसका मेंशन किया है एक्सराटिया का, और यहाँ ने पेंशन अपडेशन की बात की हुई है LIC यूनियन ने। LIC हैज़ अ फाइनेंशियल स्टेंट ऑफ टू इंट्रोड्यूस दिस बेनिफिट एंड स्पेशली इन अ सिचुएशन वेयर हग रिटायरमेंट आर टेकिंग प्लेस एंड परहैप्स इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर। ये रिक्रूटमेंट के लिए भी अच्छी खबर है क्योंकि LIC में 1-2 साल में बहुत सारे रिटायरमेंट होने वाले हैं, तो जो रिटायरमेंट होंगे उसके बाद रिक्रूटमेंट तो होंगे ही, तो मे भी अगर 1-2 साल में रिटायरमेंट होते हैं तो LIC के जो नोटिफिकेशन है असिस्टेंट वगैरह के वो इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकते हैं। और देयर वुड बी नो एडिशनल कमिटमेंट ऑफ LIC ऑन द पेंशन फंड इन सच सिचुएशन। कंसीडरिंग अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ऑफ पेंशन रिप्लेसर इज नॉट डिफिकल्ट। द AIIEA इज अवेयर दैट एक्सराटिया इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर द डिमांड फॉर अपडेशन एंड AIEA विल कंटिन्यू टू परस्यू दिस डिमांड। बेसिकली वही पेंशन अपडेशन की डिमांड की बात कर रहे हैं ये लोग। एंड बाकी इन्होंने अपना पूरा मेंशन किया कि कैसे क्या इनका सेटलमेंट हुआ था, चार्टर ऑफ डिमांड कैसे क्या ये MDCO से मिले, इन्होंने ये सब मेंशन किया हुआ है। बाकी सारी चीज़ आप देख सकते हो। यहाँ पर लिखा द जनरल सेक्रेटरी ऑफ AIEA हैड अ टेलीफोनिक कॉल टूडे विद श्री सतपाल भानु मैनेजिंग डायरेक्टर। ही इन्फॉर्म MB एंड AIEA अप्रिशिएट द ब्रॉड कॉन्ट्रास्ट ऑफ द वेज डिवीजन बट सीरियस रिजर्वेशन अबाउट द मैनर इन विच द इंटायर एक्सरसाइज वॉज अंडरटेकन। AIEA सजेस्ट टू द MD डेट LIC शुड कॉल यूनियन एट अर्ली डेट एंड इन्फॉर्म देम। कुल मिला के इन्होंने सारी चीज़ें मैंसन की हैं जो इनके बीच में बात होती हैं, क्योंकि बैंक यूनियन की तरह नहीं कि बाद में कभी बताएंगे, वो भी बताते नहीं है कि इंटरनल मीटिंग इंटरनल बात क्या हुई, सर्कुलर रिलीज कर दिया, काम खत्म, उसमें कि एक्सप्लेन किया गया है। थैंक यू दोस्तों। तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है 70% में। अभी बेसिक पे का वो चार्ट आ जाएगा तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी ऑफिशियल नहीं आया, एक चार्ट है बट उसमें बेसिक पे तो बहुत ज़्यादा दिखा रही है। लेट्स 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।